स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं केकेआर न्यूज, मैं हूं पल्लवी। चलिए बढ़ते हैं देश और दुनिया की ताजा खबरों की ओर। पुलिस अधीक्षक शिवपुरी के नेतृत्व और अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक महोदय के मार्गदर्शन में सुप्रीम कोर्ट कमेटी ऑन रोड सेफ्टी और पुलिस मुख्यालय भोपाल के दिशा निर्देशानुसार सड़क दुर्घटनाओं और उनमें होने वाली मृत्यु और घायलों की संख्या में कमी लाए जाने हेतु शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में अधिक से अधिक जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया जाए। इसी क्रम में दिनांक 10 सितंबर 2024 को थाना प्रभारी यातायात धनंजय शर्मा और यातायात बल द्वारा थाना पोहरी के अंतर्गत ग्राम भटनावर में यातायात जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। ग्रामीण क्षेत्रों में सड़क दुर्घटनाओं को मुख्य कारण यातायात नियमों की जानकारी न होना है। जागरूकता कार्यक्रम में उपस्थित आमजनों को विगत वर्ष 2023 के जिले में घटित सड़क दुर्घटनाओं के आंकड़ों को बताया गया, जिनमें जिले में कुल 1178 सड़क दुर्घटना घटित हुई, जिसमें 354 लोगों की मृत्यु हुई और पोहरी अनुविभाग के अंतर्गत कुल 131 सड़क दुर्घटनाओं में 42 लोगों की मृत्यु और 121 लोगों के घायल होने की जानकारी से अवगत कराया गया। साथ ही ग्रामीण जन को बताया गया कि हादसों में सबसे ज्यादा उन लोगों की मृत्यु होती है जो दो पहिया वाहन चलाते समय हेलमेट का प्रयोग नहीं करते और चार पहिया वाहन चलाते समय सीट बेल्ट नहीं पहनते। ग्रामीण जनों से अपील की गई कि जब भी दो चार पहिया वाहन चलाते समय हेलमेट और सीट बेल्ट का प्रयोग अवश्य करें और यातायात के नियमों का पालन करने से आपके और आपके परिवार की जिंदगी बच सकती है। के तारतम्य में आज हम लोग ग्राम भटनावरा आए हुए हैं, क्योंकि यह देखने में आता है कि सड़क दुर्घटनाओं में जो दुर्घटना में पीड़ित या जो शिकार व्यक्ति है वो ग्रामीण परिवेश से ज़्यादा होते हैं, क्योंकि उन्हें यातायात नियमों के बारे में जानकारियाँ का अभाव होता है और वो लोग यातायात नियमों का पालन भी नहीं करते हैं। तो इस बात को ध्यान में रखते हुए कि यातायात नियमों की जानकारी प्रत्येक व्यक्ति तक पहुंचाने के लिए, ग्रामीण प्रवेश तक यातायात नियमों के बारे में जानकारी देने के लिए हमारी टीम द्वारा आज ग्राम भटनावरा में एक यातायात जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया था, जिसमें ऐसे ही देश और दुनिया की खबरों के लिए बने रहिए केकेआर न्यूज़ के साथ। लोग उपस्थित थे और उनको यातायात संबंधित सभी प्रकार के नियम और जो भारत सरकार मध्य प्रदेश शासन की कुछ नई स्कीम है, हिट एंड रन योजना और नेक व्यक्ति पुरस्कार योजना, उसके बारे में उन्हें जानकारी दी गई है और सभी लोगों के द्वारा बहुत ही सराहनीय अप्रोच रहा, सभी का सबने बहुत अच्छे से इसमें भाग लिया और जानकारियों को ग्रहण किया है। सुप्री यातायात प्रभारी द्वारा जो आपको क्या समझाई दी गई, आपने क्या सीखा उनसे? शर्मा जी ने, अगर अज्ञात वाहन अपन को दुर्घटना मृत्यु होती है तो अपन को उसको 2,00,000 रुपये मिलेंगे और अगर वो बच जाता है तो अपन को उसको 50,000 रुपये मिलेंगे रात राशि के लिए। जी हमको नई जानकारी मिली अज्ञात वाहन। मैं सर का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ उनको, उन्होंने हम लोगों के प्रति जागरूकता अभियान चलाया है। ऐसे ही देश और दुनिया की खबरों के लिए बने रहिए केकेआर न्यूज़ के साथ।